स्वच्छ सिवान सुंदर सिवान, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आपका साथ नगर का विकास, स्वच्छ सिवान सुंदर सिवान के लिए साथ दे। सिवान नगर परिषद क्षेत्र से कर्मठ विकासशील सहयोग एवं शिक्षित मुख्य पार्षद चेयरमैन प्रत्याशी संगीता देवी, उनकी तमन्ना है कि लोग उनके नाम से जाने, उनकी तमन्ना है कि लोग उनके नाम से जाने और संगीता देवी की तमन्ना है कि लोग उनके काम से जाने। संगीता देवी भावी महिला मुख्य पार्षद चेयरमैन प्रत्याशी पूर्व वार्ड पार्षद नगर परिषद सिवान बिहार। निवेदक बबलू शाह पूर्व उप सभापति नगर परिषद सिवान बिहार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के फतेहपुर बाईपास रोड में सर्कस ग्राउंड के सामने। आपको बता दें कि यहां पे आज एक क्लिनिक का शुभ आरंभ हुआ है और यहां पे जो डॉक्टर साहब बैठेंगे उनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार सुमन। हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के फतेहपुर बाईपास रोड में, यहाँ पे एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक ओपन हुआ है, यानी कि शुभ उद्घाटन हुआ है और आज से डॉक्टर साहब बैठेंगे यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि ये सिवान शहर में पहली बार इस तरह से रिप्रेजेंट होकर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर विजय कुमार सुमन जो लीवर पेट तथा आंख रोग विशेषज्ञ के तौर पे ये इलाज करेंगे, पहली बार ऐसा डॉक्टर सिवान शहर में बैठ रहे हैं और इन्होंने अपना कदम सिवान शहर में रखा। सिवान ऐसा सिटी है जहाँ पे गोरखपुर पटना से भी ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पे अपना व्यवस्था लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे लोगों के लिए खिदमत काम कर रहे हैं। तो आइए इसी बीच हम बात करते हैं डॉक्टर विजय कुमार सुमन जी से, जो कि MBBS MD मेडिसिन के तौर पे आज सिवान शहर में इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया और सिवान शहर के लिए बड़ी बात है कि इन्होंने अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्राइम न्यूज इंडिया जो आप मेरे लिए टाइम दिए और यहाँ पे आए। क्या कुछ कहेंगे सर, आज आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपका क्लिनिक का ओपनिंग हुआ। जी, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन जी, MBBS MD मेडिसिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज जी, और एक सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जी जी IGNS पटना। सर आप यहाँ पे किस किस बीमारियों का इलाज करने के लिए लोगों सेवा कर रहे हैं? यहाँ एक्चुअली सिवान में कोई मतलब लीवर और आंख या पेट का कोई स्पेशल या स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है जी, तो इसको वजह से यहाँ के सारे पेशेंट या तो IGNS पटना जी तो फिर बनारस रेफर किया जाते थे। यानी आपका कहना है कि आज सिवान शहर में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं थे जो पेट आंख से विशेषज्ञ के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन आपने इस तरह से बड़ा काम किया, आप यहाँ पे आए और लोगों के लिए देखभाल करेंगे। बिल्कुल है ना, तो लीवर संबंधित या पेट संबंधित, लीवर संबंधित या पेट संबंधित कोई भी बीमारी आप इलाज कर सकते हैं। तो इसके पहले आप कहाँ बैठते थे सर? यहाँ पे हम IGNS में जी जी IGNS पटना में डिपार्टमेंट। अच्छा, तो वहाँ का अनुभव, वहाँ का अनुभव कैसा रहा सर? वहाँ यह है कि वहाँ सारे पेट रिलेटेड संबंधित जी जी रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं जी जी बीमारी हैं जी अच्छी तरह से। सिवान में आप आए, सिवान में फतेहपुर बाईपास रोड में आप बैठ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज से आपका क्लिनिक ओपनिंग हो चुका है, शुभारम्भ हो चुका है, तो यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ के लोगों से आपने जब जाना तो कैसा लगा? यहाँ के लोग तो वेरी कॉपरेटिव जी जी, बहुत हेल्पफुल हैं जी जी, बहुत हेल्प भी किया जी जी। क्लिनिक ओपनिंग करने में तो कोई समस्या नहीं हुई। आपके क्लिनिक का जो नाम है अगस्त केस्टो लीवर क्लिनिक एंड इंडोस्कोपिक सेंटर, तो ये जो सर आपने क्लिनिक ओपन किया है और ये मतलब खुद का अपना क्लिनिक है सर? ये अपना सेंटर है। इस क्लिनिक में और क्या क्या व्यवस्था रहेगा सर? इसमें जो है ये इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी ये सारे होते हैं यहाँ पे जी जी। एक चीज़ सर देखा जा रहा है कि जैसे सिवान शहर में हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन एक सवाल है सर कि डॉक्टर इतने आते हैं, बैठते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें बड़ी बात भी काम करते हैं, लेकिन देखते हैं कि कोई भी बीमारी के लिए लोग यहाँ से अभी भी रुक कर रहे हैं, गोरखपुर पटना दिल्ली मुंबई। इसका कारण क्या है? जो आप जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में आप देख रहे हैं और देखते हैं कि इसमें कितना आप काम कर रहे हैं लोगों के लिए, पेट और आपकी लीवर तमाम तरह की जो बीमारियाँ हैं, क्योंकि पूरा बॉडी सिस्टम उन लोगों का लीवर पे और पेट पे डिपेंड रहता है, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक समस्या है लोगों के लिए। मेरा यही मतलब मेरा यही मानना है कि यहाँ मेरे आने की वजह से कुछ हद तक पेशेंट जो बाहर रेफर किए जाते थे
वो कुछ हद तक रेफर नहीं किए जाएंगे। जी जी, तो अब यहाँ से मतलब पेशेंट जो बाहर जाते हैं वो नहीं जाएंगे, यानी कि सारे नहीं जाएंगे, मतलब पेट संबंधित से लीवर संबंधित जो भी बीमारियाँ होगा आप यहाँ पे देखभाल करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये सिवान वासियों, अगर पेट संबंधित कोई भी समस्या हो या लीवर संबंधित, आँख संबंधित कोई भी दिक्कतें हों, मेरे या मेरे क्लिनिक पे आके आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं और हर एक बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन इन्होंने दवा किया है सिवान शहर के लोगों से और सिवान शहर के वासियों से कि पेट लीवर तथा आंत रोग विशेषज्ञ के तौर पे हम देखेंगे और यहाँ पे लोगों के लिए बेहतर इलाज करेंगे। आपको आपको बता दें कि डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सुमन जो है MBBS MD मेडिसिन DMCH दरभंगा से, एक्सीडेंट सीनियर रेसिडेंट डिप्टी ऑफ गैस्ट्रोलॉजी IGIMS बताते हैं कि डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सुमन MBBS MD मेडिसिन DMCH दरभंगा, एक्स सीनियर रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी IGIMS पटना। यानी कि कहा जाए कि सिवान शहर में वैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं और उस क्रम में एक बेहतर डॉक्टर यहाँ पे बता रहे हैं सिवान शहर के मरीजों के देखभाल के लिए। हम बता दें आपको कि पेट ऐसा एक समस्या है जो कि गैस लीवर तमाम तरह की बीमारियाँ से लोग ग्रसित होते हैं और आए दिन कहीं पटना, कहीं दिल्ली, कहीं गोरखपुर, कहीं मेट्रो सिटी में जाना पड़ता था उन लोगों को, अब लेकिन नहीं जाना पड़ेगा, सर का दवा। तो सर से हमने बात किया, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहचान के एक लोग हैं, यानी कि जनता भी हो सकता है, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ का अनुभव के सर आज सर के बारे में क्या कुछ दो वक्त दो टूम कहेंगे। आइए सर, स्वागत है सर हमारे चैनल पे। कैसा लगा सर आज ओपनिंग हुआ है अगस्त्या गैस्ट्रो लीवर क्लिनिक एंड इंडोस्कोप सेंटर, इंडोस्कोपी सेंटर में आपको आकर कैसा लगा? आप डॉक्टर साहब तो पहला बार बैठ रहे हैं सिवान में और पेट संबंधित सारे रोग का इलाज करेंगे, पेट से संबंधित सारा जो पेट से संबंधित गैस्ट्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, लीवर का है, और मरीज आवे और दिखलावे, दिखलाने के बाद जो अनुभव होगा जो फायदा होगा वो बताएंगे मरीज। चलिए धन्यवाद। तो चलिए एक सवाल, एक और सवाल सर से सर करते हैं, क्योंकि इन्होंने पटना से रुख किया सिवान के लिए, सबसे बड़ा कारण क्या रहा सर? एक सवाल और करूँगा कि आपने पटना में IGIMS में आप बैठते थे, प्रैक्टिस करते थे और मेट्रो सिटी छोड़कर सिवान में आने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा आपका? एक्चुअली ये सिवान डिस्ट्रिक्ट में लीवर गैस्ट्रोलेटेड पेशेंट बहुत सारे हैं और वहाँ पे जितने पेशेंट हमने सिवान डिस्ट्रिक्ट से देखे हैं और गोपालगंज छपरा डिस्ट्रिक्ट से जी जी शायद ही किसी एरिया से हम यहाँ नहीं करें। हाँ बिल्कुल, हमने सोचा कि चलो सिवान डिस्ट्रिक्ट अपना होम टाउन है, जाते हैं वहाँ कुछ गेस्टों का जो है मिनिमम जिला किया जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो साथियों मैं चाहूँगा कि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे कि पेट लीवर तथा आंत, यानी कि ये दो तीन चीज जो है हमारे सिस्टम के लिए हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है और इन बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो आप यहाँ पे आकर अपना इलाज करवाएं, क्योंकि यहाँ पे जो सर दवा कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं और सर का नाम डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सुमन है और अगस्ता गैस्ट्रो लीवर क्लिनिक एंड इंडोस्कोपिक सेंटर, यानी इस क्लिनिक का नाम है। और मैं पता बताता हूँ, फतेहपुर बेबास रोड सर्कस ग्राउंड के सामने सिवान बिहार, और यहाँ सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक सर देखेंगे। तो आप लोग बस है और सर का कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि यहाँ का स्टाफ का नंबर भी आपको मिल जाएगा उस स्क्रीन पे, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक बार बहुत से पधारें। नमस्कार, थैंक यू, नवीन बंगला।